व्यक्ति, मेरे बंधु और छोटे भाई और बहन, इस प्रोग्राम में महामहिम राज्यपाल नागालैंड को आना था और सम्मान हम लोगों ने उसकी तैयारी की थी, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, लेकिन आप लोग के प्रयास से ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो सफल हो, ये हमारी शुभकामना है। मैं यहां अपने प्रदेश से बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूं कि मैं जिस पद पर हूं आज, उसमें अच्छी तालीम, अच्छी सोच, जिसमें पॉजिटिव सोच शामिल है, मेहनत, जज्बा, देशभक्ति, जो इंसान के साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूं इस ह्यूमन चेन का कि इस जिले की कुश्ती रथ पर मेरा हाथ रखने का उसने मौका दिया। इस बात के लिए मेरी तरफ थी कि लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाऊं, वो प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूं। आपने हमें मेरी सीमा को सीमित कर दिया, आपने सीमित कर दिया कि मैं बच्चों से मुखातिब हूं और बच्चों को मैं बताऊं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि बच्चों से ज्यादा मेरी बात उसके बाप माता पिता तक मेरी बात पहुंचने की है और पहुंचाने की है। बच्चे गाइड होते हैं मां बाप के चलते। किशनगंज में करीब 2.5 साल में जिलाधिकारी के पद पर रहा हूं, मेरे काम को आपने देखा, मेरा फोकस ज्यादातर शिक्षा की तरफ रहा है और मेरे दिल में कसक थी कि यहां किशनगंज में जो बिहार के मदरसों की तादाद है उसका आधा मदरसों की संख्या तादाद इन 4 जिलों में है, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार में। हर गांव एक दो गांव में मदरसा है, पढ़ने का अच्छा स्कोप है, माहौल भी है, लेकिन 19% औरतें ही पढ़ पाई हैं। बच्चों की तालीम का जहां मामला है उसमें भी बहुत इंकरेजिंग फिगर नहीं है। हम जानेंगे, मैं और कुछ अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, एक गार्जियन के लिए मैंने कहा था कि मेरा स्लोगन हम ह्यूमन चेन को दे रहे हैं, कोई चुराया हुआ नहीं है, कि आधा पेट खाएंगे बच्चा को पढ़ाएंगे, आधा पेट खाएंगे बच्चा को पढ़ाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि किशनगंज बहुत गरीब इलाका है, बहुत गुर्बत अफलास का मारा हुआ है, बच्चों को पढ़ाने की ताकत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उसके अंदर में उसकी इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं ना, वो नहीं है उसके अंदर, वो एहसास उसका मर गया है, उसका बच्चा पड़ेगा क्या नहीं होगा। इसी जिला से IAS है, इसी जिला से IPS है, गांव के स्कूल के पढ़े हुए लोग हैं, हम लोग खुद गांव के स्कूल के पढ़े हुए हैं, 4 किलोमीटर पैदल मैं स्कूल जाकर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं, 4 किलोमीटर दूर जाके। जनाब प्रोफेसर PK अब्दुल अजीज, साबिक शेखुल जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना असदुल्लाह कासमी साहब, कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन जनाब अहमद अशफाक करीम साहब, रिटायर्ड IAS, साबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किशनगंज फिराक अहमद साहब, तमाम तलबा व तालिबात, दीगर मेहमान,
तमाम रहनुमा सियासी तालीमी समाजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप तमाम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनने के बाद भी इलाके की हालात तभी बदल सकती है जब हमारा प्राइमरी एजुकेशन, जब हमारा सेकेंडरी एजुकेशन, उसके साथ साथ हमारा जज्बा, जब तक हमारा जज्बा ये नहीं होगा कि हम हर बच्चे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, डी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें, तब तक हम दाखिला नहीं ले सकते हैं। मुझे याद है कि उस वक्त अलीगढ़ में बहुत कमी लोग पढ़ा करते थे, एक पंचायत एक ब्लॉक लेवल के सिर्फ एक बच्चा होता था, और अल्लाह का शुक्र है कि शायद आज हर गांव का एक बच्चा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो तालिबे इल्म वहां पढ़ा करते थे उन्होंने अपने जूनियर्स को मोटिवेट किया, उनके लिए रास्ता बना ताकि उनका एडमिशन आसानी से हो। हम तमाम लोगों को एक चीज छोड़ना पड़ेगा, अगर हुमैन चैन को छोटा करना है तो हुमैन चैन की लकीर को मिटाना नहीं पड़ेगा, उसके बराबर में बगली बड़ी लकीर बनाना पड़ेगा, अपने आप छोटा हो जाएगा। सोच तो यह रखो कि अगर किसी को छोटा करना है तो उस गांव में अगर आईपीएस है तो आईएस बना के देखो, यह मत सोचो दोस्तों कि आईपीएस को मारे पीटे, उसकी हर काम को हम बुरा बुला के हैं। हमें कंपिटिटिव माहौल बनाना पड़ेगा, हमें दुख को बिना नहीं रखना पड़ेगा। और प्रोफेसर नहीं बनाए हेमंत चैन आज यहां बनना चाहिए, जिंदाबाद। आप लोग जोर से बोलेंगे जिंदाबाद, हेमंत चैन इंसानी, हेमंत चैन जिंदाबाद, हेमंत चैन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। को अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। इतने दिनों बाद हम जमा हुए हैं, ह्यूमन चेन में जमा करने काम किया है। मुबारकबाद के मुस्ताक है असलम साहब और उनके सारे लोगों का जितने हैं कि दिल्ली से आकर आपको जगाने का काम कर रहे हैं। इतने जमाने बाद हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने 1803 में, आप जरा गौर करें, हजरत अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने 1803 में यह ऐलान किया था कि हम अब्बा गुलाम हैं, लेकिन वो बिल्कुल नाकाफी है। सरकार के मेडिकल इंजीनियरिंग में हमें कंपीट करना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए, उसके लिए हमें बुनियाद मजबूत करने की जरूरत है। हमें अफसोस है कि तालीम के मामले की गुफ्तगू करके दिल्ली में रहने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं, चूंकि आपके घर के हैं, और लोगों को चाहिए था कि खुद जुट जाएं, ह्यूमन चैन से जुट जाएं, फॉर्म को भर दें। मुझे अफसोस है इस इलाके के लोगों पर, लोगों को यहां पर मौजूद रहना चाहिए और अपने पर स्थापित करना चाहिए कि हम लोग एक हैं। और माफ कीजिएगा, हम लोग जब तक एक मुसलमान एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। अभी मैंने सुना, माफ करेंगे, कि असलम यज़दानी साहब ने सुरजापुरी वालों के लिए बड़ी मेहनत की है। माफ कीजिएगा, ये जुमला नहीं, अपने को छोटा मत कीजिए, अपना सब छोटा नहीं कीजिए। असलम यज़दानी साहब ने पूरे उम्मत के लिए काम किया। अगर हम अलग अलग थानों में बटे रहेंगे, हम कहीं दुर्जापुरी और कहीं चेरचावादी, कहीं भुट्टा, कहीं कुल्हैया है, और कहीं अलग अलग सिरकों में बटे हुए हैं, इसका नाजायज फायदा हुकूमत में रहने वाले लोग उठाते हैं। जमहूरियत में हमें एक रहना चाहिए, जमहूरियत में हम एक नहीं रहेंगे। उतड़पती रहे दिल में, चलता रहे